कॉमेडी वीडियो देखा होगा दया में और बहुत सारी चीज़ों में. सो यस, और अभी मैं अपने पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं पहली बार इग्नू से कोई कोर्स कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. सो मैं इग्नू से MBA OM कर रही हूँ. MBA मतलब मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट. सो यस, मेरा ये फर्स्ट ईयर है. मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दूँगी इग्नू से. मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो MBA OM कर रही हूँ मैं, MBA ऑपरेशनल मैनेजमेंट से. ठीक है, तो उसी के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है और इग्नू वाले तो जानते ही हैं कुछ प्रिपरेशन नहीं होती है. एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं और वो क्लियर हो जाता है अगर अच्छे से पढ़ें. मतलब कि पूरा टाइम मत पढ़ो, और अगर आप या मतलब जैसे एग्ज़ाम पर दो दिन बाद है 2 दिन पहले अच्छे से जो भी स्टडी मटेरियल से मिला हुआ है वो पढ़ लो और वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. आई थिंक सो, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम था उसमें BCOM का, तो मैंने सिर्फ ऐसे रीडिंग किया था और मैं फर्स्ट आई थी. तो कुछ कह नहीं सकते आप, फिर भी हो सकते हो, तो इसीलिए आपको पढ़ना है. तो अगर आप लोगों ने पूरे साल नहीं पढ़ा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो. मेरा तो हो जाता है, अब टच वुड इस बार भी ऐसे ही हो जाए. सो यस, इग्नू की तरफ से स्टडी मटेरियल्स आए थे, तो वो आज लोगों को मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी कि स्टडी मटेरियल्स दिए होते हैं, टॉपिक वाइज दिए होते हैं और हर एक चीज़ एक्सप्लेन की होती है. तो मेरा फर्स्ट जो MBA वाले ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट वाले, सॉरी ऑपरेशन बोल रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल, एक सेकेंड, अब जो MBA OM से कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल वीडियो होगा. तो मेरा फर्स्ट जो जो मेरी बुक है और फर्स्ट जो मेरा पेपर है, फर्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है वो है MMPC 001. ये दिख, MMPC मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फर्स्ट मेरा सब्जेक्ट है, फर्स्ट मेरी बुक है, फर्स्ट मेरा एग्जाम भी इसी का है जो कि है 12 तारीख को. तो वो देखिए 12 तारीख का तो इसमें दिया हुआ है मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. अब जैसे आप देख लीजिए इसके इंडेक्स में आपको दिया हुआ है मीनिंग ऑफ डेफिनेशन मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, करेक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप लोग इसी जिसमें आप कोर्स कर रहे हैं ना, उसी में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि जो मैं जॉब कर रही हूँ, जो भी मैं वर्किंग कर रही हूँ, वो मैं इसी से रिलेटेड कर रही हूँ. राइट नाउ आई एम अ एडमिन ऑफ फन ब्लास्ट इंडिया. सो वहाँ पे मैं तीनों सेंटर्स का देखती हूँ, रिपोर्ट्स चेक करती हूँ और फिर ये नए नए रूल्स निकालती हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए कि एम्प्लॉयज़ भी खुश हो, फिर HR के लिए जो वो जो रूल्स होता है या फिर कंपनी के लिए जो रूल्स होने चाहिए वो, और एम्प्लॉयज़ के लिए होने चाहिए, मैनेजर के लिए जो भी होने चाहिए, तो वो सब आ जाता है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन में. तो मैं वही वर्क करती हूँ और वही इसी से रिलेटेड मैं पढ़ाई कर रही हूँ. तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो भी चलेगा. सो बहुत कम टाइम बचा है. तो देखिए, अगर आप जैसे कि मैं देख लेती हूँ कि प्लानिंग ही है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग पढ़ लीजिए, फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ लीजिए, फिर नेचर, इस तरीके से आप टॉपिक वाइज इसमें कवर किया हुआ है. तो अगर आप ये थोड़ा बहुत रीड आउट करके भी चले जाएंगे तो डैम श्योर आपके नंबर तो आ ही जाएंगे. तो फर्स्ट मेरा ये सब्जेक्ट ये था. सेकेंड मेरा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, MMPC HRM. HRM हर कंपनी में HR होता है. तो HRM वो मैं मैनेजमेंट ऑपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे अंदर तो ये भी एक पार्ट है छोटा सा. तो ये HR हर एक कंपनी में एक HR होता है जो कि सारे एम्प्लॉयज को संभालता है. तो उसके रिगार्डिंग ये सारा होगा. ये देखिए, मैनेज, मोटिवेट, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, रिवॉर्ड, ट्रेन, रिक्रूट, मतलब ये सारा HRM में आता है. ये देखिए, इसमें भी इसको
उसको भी दो चार बार अगर पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ये है थर्ड मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, MMPC 003 थर्ड सब्जेक्ट भी है, थर्ड एग्जाम भी है। और इसमें देखिए सब कुछ आ जाता है लाइक सोशल कल्चर, मशीन लॉज, एक्सपोर्ट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाता है। तो इसमें भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी मतलब पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। फोर्थ मेरा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ये तो मैंने छुआ भी नहीं है, मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स किए हुए टाइम हो गया। तो इसमें थोड़ा अकाउंटिंग आएगा MPC 4 में, अकाउंटिंग मैनेजर्स में। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, MMPC 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग अगर हमारी कंपनी है और हमारा बिजनेस है तो उसकी मार्केटिंग हम किस किस तरीके से करें, किस किस तरीके से करके हमारा जो वो है मतलब वो सही में फायदा करेगा। लाइक जैसे कि अभी फन ब्लास्ट में स्नो वर्ल्ड खुला है, ठीक है, मैं एग्जांपल उसी का देती हूँ। स्नो वर्ल्ड खुला है, स्नो वर्ल्ड खुल गया, अब लोगों को पता नहीं है कि उसका मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें कि लोगों को कैसे पता चले कि यहाँ पर स्नो वर्ल्ड है और लोग आए। तो क्या किया स्नो फन ब्लास्ट ने कि जो पॉपुलर यूट्यूबर हैं या पॉपुलर इंस्टाग्रामर है, जो पॉपुलर हैं वो जैसे उनके 32,000, 30,000, 50,000 मतलब इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनको कुछ पैसे देकर वो अपना वो एक वीडियो बनाएंगे, तो वो अपने चैनल पे वो डालेगी, तो उससे जितने उसके फॉलोअर्स हैं वो सब देखेंगे उसको। तो इससे क्या होगा, मार्केटिंग होगा, इससे क्या पब्लिसिटी होगी। तो ये सारा ये जो सब्जेक्ट है वो इसके रिगार्डिंग है। तो दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट सब्जेक्ट, पढ़ा नहीं है, फेवरेट है क्योंकि आई नो अबाउट इट। फिर आता है मेरा MMPC 005 क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैनेजरल एप्लीकेशन। जैसे इसमें डाटा कलेक्शन एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ये सारी चीजें हैं, फॉरकास्टिंग मेथड्स हैं। फॉरकास्टिंग मतलब पहले से प्लान बना के चलो कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो हम क्या करेंगे, वो उसके लिए प्लान पहले ही रेडी करके, तो लाइक दिस। तो ये मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट है। फिर आता है मेरा सिक्स सब्जेक्ट, सिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। और सेवेंथ है मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन, MMPC 007। इसमें भी सारी चीजें लाइक ईमेल है, मेमो है, लेटर, रिपोर्ट, बिजनेस प्रपोजल्स, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो ये सारी चीजें मैं अभी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं एक एक करके सब्जेक्ट को पढ़ूंगी, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगी, और एक बार अगर मैं यही पढ़ के चली जाऊंगी तो वो मेरे लिए मोर देन इनफ होगा। सो कल से आई ट्राई माई बेस्ट कि आई वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग एंड स्टार्ट टू स्टडी फ्यू थिंग्स, सो विच इज वेरी क्या बोले उसको वेरी आई डोंट नो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है वो वर्ड, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा मेरे लिए। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट।